पर कैसे बात करना चाहिए। पहली बात, उससे चुगलीखोर नहीं होना चाहिए। चुगली मतलब किस तरह की चुगली? अगर कोई बड़े लोग हों तो काफी कई बार बोलते हैं, अरे ये मेरी बात ही नहीं सुनता है। अगर कोई किसी की बात ही ना सुने तो उसके बाद में दूसरों को जाके इसी के बारे में गलत शब्द कह के उसके खिलाफ भटका देते हैं। क्यों भटका देते हैं? क्योंकि स्त्री ने स्त्री की बात नहीं सुनी। काफी स्त्रियों के बीच में ये जो है ईगो जैसी चीजें होती है कि लोग मेरी बात माने और मैं जो कहूँ वही करें, और इस तरह से वो मेरी बातें सुने और मैं जो कहूँ वही करें। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमसे ये सिखा रहा है और हमसे इस बात कर रहा है, हमसे इस वचन के द्वारा दो अध्याय के साथ, कि स्त्रियों को जो है अपने चाल चलन को पवित्रता के साथ जीना चाहिए। उन्हें उन स्त्रियों को भी जो है, जो परमेश्वर में नवी नवी आई हैं, जो परमेश्वर में आज ही उद्धार पा के वो हमारे बीच में बन चुके हैं, जुड़ चुके हैं, तो उनके साथ जो है व्यवहार कैसा होना चाहिए। पहली बात तो स्त्रियों का गुस्सा जो है उनके कंट्रोल में नहीं होता है, और ना ही उनकी जुबान, जो उनका मुंह है, क्या बातें करनी है, ये चीजें भी उनके अंदर कंट्रोल नहीं होता है, और जो बोलना है वही मुंह से बोल देते हैं और सब चीजों को बिगाड़ देते हैं। यहाँ तक कि पुरुष जो घर में होते हैं, जो सही काम कर रहे होते हैं, उनको भी बिगाड़ने में और उनका काम खराब करने में भी स्त्रियों का हाथ ही होता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमें पुर हम जो जो बड़े स्त्रियां हैं, जो सिखाने वाली हैं, जो परमेश्वर के वचनों को जानती हैं, उन लोगों को और जो घर में होते हैं उनके साथ बिहेव उनका कैसा होना चाहिए। पहले तो उसे पवित्रता के साथ जीना चाहिए और पवित्रता के साथ रहना चाहिए, और जो उससे सीखे वो भी यही सीखे कि प्यार करना सीखे। इधर की बातें इधर, इधर से लेके इधर, इसको फोन करेंगे, इसी बात सुनेंगे, फिर इसने जो कहा किसी और को जाके फोन करके वही बातें सुनाएंगे, फिर वो स्त्री जाके किसी और से सुनेगी, फिर और किसी और को बताएगी। ये सभी उन लोगों के जीवन में चलते रहता है, लेकिन आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि ये जो स्वभाव है ये परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा, ये जो स्वभाव है आपके अंदर परमेश्वर को नहीं दिखाएगा, ये जो स्वभाव है आपका उद्धार नहीं दिखाएगा, ये स्वभाव जो है लोगों को आपका शत्रु बनाएगा। और ये क्या है, परमेश्वर का काम करते हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, इधर की बातें उधर करने वाले लोग हमको क्या सिखाएंगे करके। इसलिए उन बूढ़े स्त्रियों को कहा गया है कि अपना चाल चलन पवित्रता के साथ जियो, और सिखाते रहें वो स्त्रियों को जो जवान स्त्रियां हैं। जवान स्त्रियों को अगर सिखाना है तो हमें अगर सीधा नहीं रहेंगे तो वो जवान स्त्रियों को जो कि गर्म खून है उनको कैसा सिखाएंगे। और ज़्यादातर पियक्कड़ ना हो, मतलब कि पीने वाली, शराब पीने वाली, कभी कभी अपने नाती पोतों को भी बिगाड़ने का जो काम ज़्यादा है तो करते हैं ये नानी और दादा लोग ही करते हैं, जो कि अपने बच्चों को इतना प्यार कर करके उन्हें इतना आलसी बना देते हैं कि वो और कुछ काम नहीं कर पाते हैं। जो कुछ भी हो हमारे दादा दादी नाना नानी देख लेंगे करके वो लोग भी आगे से बिगड़ जाते हैं, और ऐसे बन जाते हैं कि जब उन्हें कोई काम कहे तो वो सुनते ही नहीं है, और उन्हें ऐसा सिखाते हैं कि अपने ही घर का काम करना, किसी और की बात ना मानना, बस वो ये करके उल्टे सीधे बातें, ज़्यादा प्यार है इसलिए ऐसा होता है। हे भाई और बहनों, प्यार हमें करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि अपने ही लोगों को, हमको सबको जो परमेश्वर के लहू से धुला हुआ है उन सबको ऐसे ही करना चाहिए।